वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में स्वभाषा, स्वदेशी आचरण और संयुक्त परिवार की कल्पना को साकार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने इस आशय के उद्गार MLB स्कूल मैदान में आयोजित कुटुंब एकत्रीकरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस बीच उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। MLB मैदान में आयोजित कुटुंब एकत्रीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व गौ एवं तुलसी पूजन किया। वहीं डॉक्टर मोहन भागवत ने कुटुंब एकत्रीकरण पर रोशनी डालते हुए कहा कि सारी व्यवस्थाएं गृहस्थ आश्रम पर चलती हैं और वानप्रस्थी बुजुर्ग छोटों के लिए संवाद का स्थान बनते हैं और ब्रह्मचर्य भी आश्रम जीवन की तैयारी है एवं ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया के प्रबुद्ध जन भारतीय कुटुंब व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म सारी सृष्टि के साथ जीना सिखाता है, धर्म ही विकास का मार्ग है। प्राचीन काल से ही हमारे परिवारों में बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है और आज भी ये परंपरा कायम है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीनों आश्रम कुछ न कुछ तो उपयोगी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति की तैयारी होती है, गुणवृद्धि होती है, अपने दायित्व का उसको बोध होता है, उसके लिए उसको कुछ तपस्या करनी पड़ती, प्रयास करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। वानप्रस्थी लोग जीवन का अनुभव पा चुके होते हैं, इसलिए उनका रहना समाज में एक बहुत बड़ा आधार है। उनका परामर्श बहुत मूल्यवान रहता है, बहुत व्यावहारिक परामर्श उनसे प्राप्त होता है। कार्यक्रम में सरसंघ चालक ने सामाजिक समरसता, परिवार में परस्पर संवाद और सबको समान अवसर प्रदान करने पर भी चर्चा की।